कश्मीर में बौखलाए आतंकियों ने मासूम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दहशतगर्द कश्मीर में टारगेटेड किलिंग की साजिश को अंजाम दे रहे हैं। यहां के अल्पसंख्यक हिंदू और सिख एक बार फिर आतंकियों के निशाने पर हैं। आज फिर आतंकियों ने जिस तरीके से कायराना हरकत को अंजाम दिया है, सिख प्रिंसिपल और हिंदू टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी, उससे आतंकियों के मंसूबे जाहिर हो चुके हैं। 5 अक्टूबर को कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की भी आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इसी दिन श्रीनगर में बिहार के रहने वाले स्ट्रीट वेंडर वीरेंद्र पासवान को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। इस साल अब तक कश्मीर में 20 से ज्यादा नागरिकों की आतंकी हत्या कर चुके हैं और सबसे ज्यादा वारदात श्रीनगर में ही अंजाम दी जा रही है। कश्मीर में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर पाकिस्तान नापाक साजिश रच रहा है। ईदगाह इलाके में हुए आतंकी हमले में 2 शिक्षकों की मौत हो गई। उनके घर में मातम पसर गया है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जिस स्कूल में ये शिक्षक थे, उस स्कूल के साथी शिक्षकों की भी आंखें नम हो गई। तो आंखें नम हैं, लेकिन दिल में गुस्सा भी है, आक्रोश भी है। कश्मीर में इस साल अब तक 98 आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें 25 सुरक्षा बल शहीद हो गए, वहीं 21 मासूम नागरिकों की जान भी चली गई। पाकिस्तान के इशारे पर ऐसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। नागरिकों को निशाना बनाकर कश्मीर में कायम भाईचारा बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। ये बिल्कुल बिल्कुल साजिश है, जहां पर कश्मीर के एक अपनी जो जहां का एक रवायत है, उसको धक्का लगाने के लिए, उसको ठेस पहुंचाने के लिए ये एक साजिश है। कश्मीरी लोकल जो मुसलमान है उसको बदनाम करने के लिए ये एक साजिश है, जहां पर जो लोग अपना काम कारोबार करने के लिए, पेट भरने के लिए जहां पर बाहर से आते हैं, उनको निशाना बनाने की ये एक साजिश है, ये दिखाने की कि कश्मीर में आपसी जो मेलजोल, जहाँ आपस में जो लोगों का प्यार मोहब्बत जिसके साथ लोग रहते नहीं हैं, दहशतगर्द इसका पैमाना तय नहीं कर सकेंगे। दहशतगर्द दहशतगर्द हैं और वो पार में जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान में बैठी, उनके इशारों पर इस तरह की नकलो हरकत, इस तरह की साजिशें अंजाम दे रहे हैं ताकि कश्मीर को नुकसान में रखा जाए, कश्मीर में जो बढ़ते हुए अमन के जो कदम हैं उनको रोका जा सके। मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग कश्मीर में रहने वाले इस साजिश को नाकाम करेंगे। सिविलियन को टारगेट करने के जो इंसिडेंट्स पिछले कुछ रोज से जो हुए हैं, ये अपने आप में दरिंदगी, वहशत और दहशत का एक मेल है, जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहां पर कश्मीर में आपस में लोगों का है, उसको नुकसान पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे, उस तरह के इरादे से जहां पर हो रहा है। हम लोग को खेद है कि ये इंसिडेंट एक के बाद एक किस तरह के हुए, जिसमें बेगुनाह लोगों की जाने गई हैं। आतंकियों के निशाने पर हैं आम नागरिक और सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। आपसी भाईचारा बिगाड़ने की यह साजिश है। पाकिस्तान में बैठे लोगों के इशारों पर ये हमले अंजाम दिए जा रहे हैं।
हमला करने वाले आतंकी जल्द बेनकाब होंगे, हमले से सदमे में है स्कूल का स्टाफ। और आइए अब आपको 5 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले का वीडियो दिखाते हैं, जब आतंकी ने एक स्ट्रीट वेंडर वीरेंद्र पासवान की हत्या कर दी थी। इन तस्वीरों में देखिए आप, वीरेंद्र पासवान घर लौट रहे थे तभी घात लगाकर आतंकियों ने स्ट्रीट वेंडर की हत्या कर दी। वीरेंद्र पासवान बिहार के रहने वाले थे। ये वीडियो खुद आतंकी संगठन आईएसआईएस ने शेयर किया है, जिसमें आतंकी हमला करते हुए दिखाई दे रहे। और 5 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में एक घंटे के भीतर आतंकवादियों ने 3 अलग अलग जगहों पर हमले किए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में कश्मीरी पंडित और मशहूर फार्मेसी चलाने वाले बिंद्रू मेडिकेट के मालिक माखन लाल बिंद्रू की भी मौत हुई। माखन लाल बिंद्रू की हत्या के बाद उनकी बेटी ने आतंकियों को ललकारा। उन्होंने कहा कि मेरे पिता एक कश्मीरी पंडित हैं, वो कभी नहीं मरेंगे। आतंकी सिर्फ शरीर को मार सकते हैं, मेरे पिता हमेशा आत्मा के रूप में जीवित रहे। आजा सामने, इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। मैं मक्खनलाल बिंद्रू की कश्मीरी पंडित हिंदू डॉटर हूँ। जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, एह करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। पत्थरबाजी से कुछ नहीं होने वाला, अल्लाह आपको अच्छी सोच दे। तो आप लोग तो सिर्फ पैलेट्स और बुलेट्स और गन्स ही चला सकते हो, क्योंकि आपकी औकात ही उतनी है भैया। जिसकी जितनी औकात वो उतनी लेवल की बात करेगा। बात करनी है तो कम एट द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड देन टॉक। पढ़ाई लिखाई करो तभी ऊपर उठोगे। लोगों को गोलियां मारने से करोगे क्या, कितनों को मारोगे? एक हिंदू कश्मीरी पंडित की ललकार आपने सुनी, चुनौती देते हुए आतंकवादियों को। और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, ये आतंक का एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिसमें सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है और वो भी चुन चुन कर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है जो गैर कश्मीरी हैं, और एक तरह से जो आपसी भाईचारा है उसको बिगाड़ने की ये साजिश। देखिए, निसंदेही एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जिस तरह से जो पिछले 10 दिनों में ये 7 किलिंग्स हुई है, सभी टारगेट किलिंग्स हुई है, जहां पर भी किलिंग हुई है वहां पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। और आज की किलिंग्स की अगर हम बात करें, जो टीचर्स जो दो थे उनकी पहले शिनाख्त की गई है, नाम पूछा गया, उसके बाद गोली मार दी गई है, जैसा कि वहां चश्म बिंदु ने कहा है। इस वक्त हम यहाँ, मेरा कैमरा मैन अगर थोड़ा दिखा सके, उस घर के सामने है जो सुपिंदर कौर जो प्रिंसिपल थी उनके घर के सामने है। हालांकि अलग अंदर जो माहौल है वो बहुत ही बेहद गमगीन माहौल है। मीडिया को इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो इनके प्रेमिसेस से बाहर निकले और हमको यहाँ से बाहर निकाला गया है। और उन्होंने फैसला किया है कि जो शव है वो आज रात को ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि इनकी बड़ी बेटी जो है वो चंडीगढ़ में है और शाम 7 बजे तक वो यहाँ पर पहुंचेगी और उसके बाद सुबह 11 बजे के करीब ये उनका अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन इस वक्त हम कुछ देर पहले अंदर जरूर थे, यहाँ कोई भी बोलने के उस मूड में नहीं था और ना ही उस अवस्था में था कि वो बात कर सकता। बहुत ही गमगीन माहौल था। और बाद में जो सिख संगठन के हम प्रधान थे उन्होंने हमसे निवेदन किया कि मीडिया प्लीज यहाँ से बाहर निकल जाए, तो हम इस प्रमिसेस से जो है बाहर आए हैं। और बहुत ही गम और गुस्से का माहौल है अंदर। अभी तमाम सरदार सिख बरादरी के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं विजुअल्स में। और इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के जो आसपास के पड़ोसी हैं इनके या जानने वाले हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सुपिंदर कौर जो आज के इस हमले में जो है मारी गई है, वो प्रिंसिपल थी इस स्कूल की, संगम स्कूल की, और वहां पर उनको गोली मार दी गई है। अब उनका शव यहां पर रखा गया है। उसके बाद सारे लोग यहां पर जो है ताज़ियत के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन ये तय हुआ है कि अब शाम तक इनकी बड़ी जो बहन है वो चंडीगढ़ से यहाँ पहुंचेगी और फिर सुबह 11 बजे जो है अंतिम संस्कार होगा। और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हम आगे का बताएंगे कि सिख समुदाय इस घटना को कैसे लेती है। फिलहाल यहाँ कुछ आला अधिकारी भी आए थे जिन्होंने इनके परिजनों से बात की है और इनकी भी फर्स्ट हैंड जो है अकाउंट में इनके बयान दर्ज किए गए हैं।
कुछ जुनेद आजम मत्तू जो श्रीनगर के मेयर हैं वो भी यहाँ पर आए थे, पूरा मीडिया यहाँ पर है, लेकिन अंदर जो माहौल है उससे ये कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि बहुत ही दुखद घटना है जो जिसके बारे में ये लोग अब चाहते हैं कि इन्हें डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए मीडिया को बिल्कुल इन्होंने प्रोहिबिट किया है। हमने कोशिश की थी कि हम बाइट करें, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें जो कहना था वो हमने कह दिया, अब हमें यहाँ पे जो है इस प्रमिसेस को छोड़ दे। तो निसंदेह ही अगर दूसरे व्यक्ति की बात करें तो वो जम्मू के रहने वाले थे, जानीपोरा के, उनके शव को जम्मू भेजा जाएगा, जो दीपक चांद जिनकी वहाँ पर हत्या हुई है। कुल मिलाकर देखें तो सुरक्षा बलों के लिए एक नई चैलेंज खड़ी हुई है, जिस तरह से सिविलियन किलिंग्स देखने को मिल रही हैं और टारगेटेड किलिंग्स हैं, और सुरक्षा बलों के लिए ये एक बहुत नई चुनौती है। अब देखना ये होगा कि वो इसको कैसे काउंटर करते जी, हैं। जी, बहुत ही दुखद, बहुत ही निंदनीय, और हम देख रहे हैं तस्वीरों में गमजदा हैं और गुस्सा भी है, आक्रोश भी है कि मासूम लोगों की जान क्यों ली जा रही है, और पिछले एक हफ्ते में 7 बेगुनाह लोगों को उनकी जान ले ली गई। लेकिन द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम सामने आ रहा है जिसने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। खालिद, अभी जो सुरक्षा बल हैं, क्या इन आतंकियों की धरपकड़ किस तरह से की जा रही है, क्योंकि ये जो टारगेटेड किलिंग्स की जो हम ये नई चुनौती देख रहे हैं, इससे कैसे निपटा जाएगा, इसको लेकर क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? देखिए, जैसा कि डीजीपी ने कुछ देर पहले कहा कि जो भी इसके पीछे है, हम उस पूरे मॉड्यूल के पीछे लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसको क्रैक किया जाए। हालांकि हमने उनसे पूछा था कि इस घटना के पीछे किस संगठन का हाथ है, उन्होंने कहा कि मामला इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर हम बात करें तो द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली है। उन्होंने ये कहा है कि जो 15 अगस्त के दिन झंडे चढ़ाए गए थे स्कूलों में, उनमें इनका हाथ था, और इसलिए इन्होंने फोर्स किया था बच्चों को कि वो झंडा लहराएं। ये बात उस प्रेस नोट में जो सोशल मीडिया पर है वो उसमें लिखी हुई थी, और रेजिस्टेंस फ्रंट की जिम्मेदारी सामने आ रही है, लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रही है। पुलिस अभी तक ये नहीं कह पाई है कि इसके पीछे कौन सा संगठन है, किसने ये घटना अंजाम दी है, लेकिन जितनी भी किलिंग्स हुई है उसके बाद सोशल मीडिया पर ही TRF का प्रेस नोट आता है, जिस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कबूल की जाती है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि जिस तरह से आम नागरिक जो है, जो अनप्रोटेक्टेड पर्सन्स हैं, उनको वो मारे जा रहे हैं और उन पे गोलियां चल रही हैं, उनको कैसे सुरक्षित किया जाता है, ये बहुत बड़ी चुनौती जो है सुरक्षा बलों के सामने है। जी, सुरक्षा बलों से ज्यादा अब जो अटैक्स हैं वो सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, टारगेटेड किलिंग्स का ये जो नया खतरनाक ट्रेंड हम देख रहे हैं, और उसमें जो अल्पसंख्यक हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। हमने देखा बीजेपी नेता जो सरपंच हैं उनसे होते हुए कश्मीरी पंडितों तक ये टारगेटिंग जो किलिंग का स्तर है वो पहुंच चुका है, और इसी पर कविंद्र गुप्ता ने क्या कहा है इन टारगेटेड किलिंग्स पर, उनकी बात आपको सुनाते हैं। हिंदू समाज जो वहां पर माइनॉरिटीज हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। केमिस्ट थे बिंदरू जी और उनके साथ ही एक ठेले वाला जो बाहरी राज्य से था, आज भी सतिंदर कौर और दीपक नाम के जो प्रिंसिपल और एक टीचर की हत्या की गई है, इससे साफ जाहिर होता है कि एक तालिबानी डिजाइन है। कुछ ऐसे जो इन्फॉर्मर्स हैं वो आज भी वहां पर बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स को इस प्रकार से मैसेज देते हैं कि वो इन घटनाओं को अंजाम दें। उसी का परिणाम है कि इस प्रकार से आज की जो हुई है। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.